न्यूजीलैंड और भारत के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच बुधवार को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा। भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से आगे है और उसकी कोशिश तीसरे मैच को भी जीतकर न्यूजीलैंड में पहली बार T20 सीरीज जीतने की होगी। हैमिल्टन के सेडन पार्क में बुधवार को न्यूजीलैंड और भारत के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। सीरीज के पहले दोनों मैच जीतकर भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से आगे है और उसकी कोशिश तीसरे मैच को भी जीतकर न्यूजीलैंड में पहली बार T20 सीरीज जीतने की होगी। सीरीज के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट और दूसरे मैच में 7 विकेट से हराया था। दोनों T20 मैच में भारत की बल्लेबाजी काफी शानदार रही थी। गेंदबाजी की बात करें तो पहले मैच की तुलना में दूसरे मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। हैमिल्टन के सेडन पार्क की बात करें तो यहां दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक ही T20 मैच खेला गया है और इसे न्यूजीलैंड ने 4 रन से जीता था। अगर T20 के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी ज्यादा अच्छा है। दोनों टीमों के बीच T20 में अब तक कुल 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड ने 8 और भारत ने 5 मैच जीते हैं। बात अगर न्यूजीलैंड में खेले गए T20 मैचों की करें तो यहां दोनों टीमों के बीच कुल 7 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड ने 4 और भारत ने 3 मैच जीते हैं। बात T20 सीरीज की करें तो यहां दोनों टीमों के बीच कुल 4 T20 सीरीज खेली गई है, जिसमें से न्यूजीलैंड ने 3 और भारत ने सिर्फ एक ही सीरीज जीती है। वहीं बात अगर न्यूजीलैंड में खेली गई T20 सीरीज की करें तो यहां दोनों टीमों के बीच कुल 2 T20 सीरीज खेली गई है और दोनों ही सीरीज न्यूजीलैंड ने अपने नाम की है। T20 रैंकिंग में अभी भारत 5वें और न्यूजीलैंड 6ठे नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।